प्रधानमंत्री जी देने का जो काम करते हैं बराबर निरंतर, जिस तरह से युवाओं को झांसा, महिलाओं को झांसा, किसानों को झांसा, मजदूरों को झांसा, ये झांसा बंद करिए प्रधानमंत्री जी। देश के किसान 2.5 साल तक इंतजार किए, अब आप सत्ता का चुनाव आ गया तो इसलिए विवश होकर अपने वादों के साथ, जिस तरह अजय कुमार टेनी का बेटा ट्रैक्टर से, अरे गाड़ी से किसानों पर चढ़ा के रौंदते हुए SIT रिपोर्ट आया, उसके बाद अजय कुमार टेनी को जिस तरह से गोद में बैठा कर मंत्री बनाए रहे और 770 किसानों के बेटों के लिए नौकरी के मांग किया गया, उनको किसानों का शहीदों का दर्जा देने की बात कही गई, तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? किसान को मजबूर क्यों किया जा रहा है? देश में उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है। गांधी का देश है, देश में सत्य अहिंसा के ऊपर देश बना हुआ है, देश में एकता और अखंडता, और आप कहते हैं राम राज की कल्पना करते हो, राम की बात करते हैं, राम तो सर्वभूत है, यानी सर के सबके अंदर थे, कड़कड़ के राम थे। राम क्या वो किसानों के राम नहीं है? राम क्या मंदिर में बैठ गए? राम कोई पत्थर के नहीं है, राम सर्वव्यापी है और किसान अन्नदाताओं के सबसे प्रिय राम है। किसान अपने मुद्दों के साथ, तो उनको खालिस्तानी, अपराधी, पहले पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या नाम दिया गया, अभी भी उनके पर जिस तरह से शस्त्र चलाया जा रहा है, बुलेट दागा जा रहा है, रबड़ का पानी का कैनाल छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस गिराया जा रहा है, किसान का हार्ट अटैक से और किसान का इस बुलेट लगने से भी मौत हो गई, कई सौ किसान घायल भी है, मजबूर क्यों किया गया किसान को? आप 54 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों को माफ कर देते हो। किसान का लोन कितना होता है? जितना जी न्यूज के मालिक का तो माफ कर दिए, 180 करोड़ जमा किया, 54 लाख करोड़ माफ कर दिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। 18 महीने बाद फिर किसान आ गए हैं, वही MSP की मांग को लेकर, पर सरकार जो कह रही कि इस बार आए तो कुछ नहीं मांगे और उन्होंने ऐड कर दिया, तो कैसे देखें तमाम वीडियो और तमाम तस्वीरें वायरल हुई? देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 2.5 साल पहले गुरु नानक जयंती के दिन बोले गुरु का पर्व है, आज मैं अपने जो काले 3 कानूनों बनाए थे, कहे कि मैं भाइयों का पीड़ा समझ गया और ये 3 काले कानून वापस लिए, और लेने के बाद बोले कि मैं जल्द से जल्द कमिटी बनाऊंगा और MSP पर डबल, जिस तरह से 2022 में भी वो बोले थे कि डबल आए किसानों के लिए, डबल आए, लेकिन ये झांसा प्रधानमंत्री जी देने का जो काम करते हैं बराबर निरंतर, जिस तरह से युवाओं को झांसा, महिलाओं को झांसा, किसानों को झांसा, मजदूरों को झांसा, ये झांसा बंद करिए प्रधानमंत्री जी। देश के किसान 2.5 साल तक इंतजार किए, अब आप सत्ता का चुनाव आ गया तो इसलिए विवश होकर अपने वादों के साथ, जिस तरह अजय कुमार टेनी का बेटा ट्रैक्टर से, अरे गाड़ी से किसानों पर चढ़ा के रौंदते हुए SIT रिपोर्ट आया, उसके बाद अजय कुमार टेनी को जिस तरह से गोद में बैठा कर मंत्री बनाए रहे और 770 किसानों के बेटों के लिए नौकरी के मांग किया गया, उनको किसानों का शहीदों का दर्जा देने की बात कही गई, तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? वो किसान अन्नदाता है, प्राणदाता है, उनका बेटा हमारी सीमा का रक्षा करता है, वो हमारे पेट का रक्षा करते हैं, जीवन के हमारे जीवन यातना में सबसे बड़ा भागीदारी किसानों का है, और किसान को मजबूर क्यों किया जा रहा है? देश में उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है। गांधी का देश है, देश में सत्य अहिंसा के ऊपर देश बना हुआ है, देश में एकता और अखंडता, और आप कहते हैं राम राज की कल्पना करते हो, राम की बात करते हैं, राम तो सर्वभूत है, यानी सर के सबके अंदर थे, कड़कड़ के राम थे, राम क्या वो किसानों के राम नहीं है? राम क्या मंदिर में बैठ गए? राम कोई पत्थर के नहीं है, राम सर्वव्यापी है और किसान अन्नदाताओं के सबसे प्रिय राम है। उन जब वो किसान खेत में जाते हैं तो राम राम भैया सुबह से शुरू कर देते हैं, वो राम भक्त वो नहीं दिख रहे हैं आपको? आप वोट लेना चाहते हैं तो राम राम का नाम लेके आ जाते हैं, और किसान अपनी आए, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात इसलिए कहा जा रहा है, जिस स्वामीनाथ को के नाम पर आप भारत रत्न, यानी जो रत्नों का भंडार बांट रहे हैं, जो 3 साल में
तीन भारत रत्न देना चाहिए, वहां पांच भारत रत्न दे रहे हैं, चलो दो अच्छी बात है, लेकिन वोट के समीकरण को देखते हुए भारत रत्न भी दिया जा रहा है और जात धर्म को बांटने की रणनीति तय की जा रही है। किसान अपने मुद्दों के साथ, तो उनको खालिस्तानी अपराधी, पहले पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या नाम दिया गया, अभी भी उनके पर जिस तरह से शस्त्र चलाया जा रहा है, बुलेट दागा जा रहा है रबड़ का, पानी का कैनाल छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस गिराया जा रहा है, किसान का हार्ट अटैक से और किसान का इस बुलेट लगने से भी मौत हो गई, कई सौ किसान घायल भी है, मजबूर क्यों किया गया किसान को 250 आलू भी लगाया जा रहा है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही जो एमएसपी का दर्द होता है, बाकी राज्यों के किसानों को क्यों नहीं? देखिए, हरियाणा पंजाब नजदीक है और मजबूत किसान है, सभी राज्यों के किसान को दर्द है। तमिलनाडु के किसान जब आए हुए थे, आप देखे होंगे किस तरह से धूप में तड़पती धूप, पीएम से मिलने के लिए कृषि मंत्री से तड़पती, यही विजय चौक पे, और तड़पते धूप में गर्मी में वो लोट पोट के अपने दर्द को पीड़ा को दिखाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और किसान नेताओं से मिलने से गुरेज की। आज आप कहते हो सब देश के हमारे भाई हैं, किसान हमारे अन्नदाता प्राणदाता, वोट के लिए भाई बन जाते हैं और काम पर उन क्या मांग रहे हैं? आप 54 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों को माफ कर देते हो, किसान का लोन कितना होता है? जितना जी न्यूज के मालिक का तो माफ कर दिए, 180 करोड़ जमा किया, 54 लाख करोड़ माफ कर दिए, 54 करोड़ माफ, 81 करोड़ माफ जमा किया और उसका माफ कर, तो अपने पूंजीपति साथियों को बैकडोर से माफ कर रहे हो। किसान का 1 लाख 2 लाख रुपया लोन बचत है, वो भी हमारे सबके टैक्स का पैसा है, किसान का यूरिया कीटनाशक सारे चीज का महंगाई, पेट्रोल डीजल, किसान अपना किसानी करता है उसके हर सामानों को महंगा कर दिया, उनका दुगनी आय क्यों करने की बात कहा कि आप 2022 में आए और 47 का सपना दिखाते हो, किसान कैसे भरोसा करे? 37 बार मीटिंग विज्ञान भवन में हुआ, अभी भी चंडीगढ़ और कई बार मीटिंग हो रहा है, विफल हो जा रहा है, वो मीटिंग में कोई वो जैसे 37 बार उस बार मीटिंग हुआ, खाली डेट पर डेट, जैसे तारीख पर तारीख मिलता है और काम निष्कर्ष नहीं निकलता है। पिछले बार 770 किसानों का शहादत हुआ, सरकार जान रही है 13 महीना तक किसान, जब किसान फसल उगाना जानता है तो काटना अधिक हो गया, किसान तो किसान धुराधार है, देश को उपज करता है, देता है, अन्न देता है, तो अन्नदाताओं का बात मान लेना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि किसान दिल्ली आए हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उनके आने का तरीका गलत है। देखिए, किसान ट्रैक्टर से चलते हैं तो ट्रैक्टर उनको कहीं रामलीला मैदान चाहे कहीं इकट्ठा दे दो बैठने के लिए, वो अपने मांगों को, देश उनका है, 145 करोड़ जनता का देश है, किसान का भी भागीदारी हिस्सेदारी है, किसान इस देश के अन्नदाता है, उनको आने के लिए रख लो, उनका तो साधन सा ट्रैक्टर है, उनको समय निर्धारित कर दो कि सुबह आप आ जाओ रामलीला मैदान में, वहां आके उनके बात को रखो, बात मांगो, आप भी आओ मंच पे, साझा करो मंच, और किसानों का जो मुद्दा है उस पे आप बात बनाओ, सबके सामने सारे किसानों का हाथ उठवाओ। ये भी सवाल आ रहा है ना, ये भी सवाल उठा लगातार कि अगर किसानों को बात करनी है तो किसानों के आंदोलन देखिए, जब तक सरकार पर दबाव नहीं, सरकार अहंकारी सरकार है। आप देखे होंगे कि वो हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट है, बृजभूषण शरण सिंह जो उनके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, आज तक उनको जस्टिस मिला क्या? कोर्ट के केस के बाद भी जिस तरह से उसको रिश्तेदार बनाकर थाली में परोसा गया, उसको गोद में लेके भाजपा चल रही है, चाहे बनारस के उस आईटी सेल के, कभी अगर वही दूसरे का पार्टी के लोग निकल जाते दुराचारी तो ब्रेकिंग नहीं हुई। ये देखिए कांग्रेस का, ये देखिए सपा के, ऐसे बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार करते, अपने दुराचारी भाई भाई, और तुम भाजपा की ये जो गैंग चल रही है या अपराध का गैंग, जिस तरह से अपराधिक ढंग से, जिस तरह से कहते थे प्रधानमंत्री जी, न मैं खाता हूं न खाने देता हूं, आप खा भी रहे हैं और गंवा भी रहे हैं। देश के 205 लाख करोड़ खर्च होने के बाद प्रधानमंत्री जी जिसको चोर कल कहते थे, चाहे हेमंत तो बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराज के जितने नेता, क्योंकि हमारे सरकार में जहाँ जहाँ हम माफ करना होता था, 167 लाख करोड़ हम छत्तीसगढ़ में माफ किए, जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी, मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ माफ किए, मध्य प्रदेश शुरू हुआ था, हम किसानों का लोन माफ कर, कांग्रेस देखिए अधिग्रहण बिल हम लाए, जिस तरह से हमारे नेता
जो नोएडा के पास जहां राहुल जी गए थे उनका बात मान के वो अधिग्रहण बिल लाए, और जो जो कांग्रेस ने किया किसानों का लोन माफ सिर्फ कांग्रेस ने किया, मनमोहन सरकार ने किया, आज देखिए एमएसपी नहीं लागू हुई तो ये सरकार तो कह के आई थी, इसीलिए 10 साल तक किसान इनको वोट देते गए। एमएसपी की बात तो ये सरकार कही थी कि हम लागू करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी भी देंगे, किसान की दुगनी आय भी करेंगे, तो ये सरकार से सवाल करिए, हम तो विपक्ष में, हमारी कमी रही होगी तभी तो किसान हमको वोट देंगे। देखिए अब ये है, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा की चुनाव जीतेंगे तो एमएसपी की गारंटी दे देंगे, 2004 में कहां सो गए थे राहुल गांधी। देखिए फिर वही बात, हम कह रहे हैं मनमोहन सरकार पूरे यूरोप डूब जाने के बाद भी हम किसानों का लोन माफ करते रहे, बिजली बिल माफ करते रहे, चाहे हमारी अभी सरकार बनी चाहे पिछली सरकार। आप एमएसपी सुनिए, एमएसपी नहीं दिए तो हमको सत्ता से आप बाहर कर दिए, वोट दिए भाजपा को, भाजपा बोली कि एमएसपी डबल आए लेके आएंगे, चाहे नहीं लाई, स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रहा है, लेकिन उनकी आत्मा क्या कहेगी कि हमारे बनाए हुए कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, तो ये कैसा अन्याय हो रहा है देश में, कैसा किसानों के साथ जस्टिस हो रहा है कि बना जिसके आधार पे हमको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो मेरे आधार शिला को ही नहीं रखा जा रहा तो रत्न कौन सा फलित होगा, उस रत्न का वैभव कैसे मजबूत होगा जब उस रत्न के बनाने वाले किसान के संरक्षक, किसान के जानकार जो अपना रिपोर्ट लेके आए थे उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। ये भारत के किसानों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को चुनी जो हमेशा धोखा खाई और हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नया नारा के साथ, किसान जय जवान जय किसान के साथ आज किसानों ने एक नारा दिया है कि हम जब तक हमें एमएसपी नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुद्दों के साथ आए हैं, पहले भी आए थे 13 महीना 770 शहादत के बाद, सरकार नहीं पहले चेताई, आज भी कह रहे हैं कि सरकार जाग जाए और किसानों के हितकारी योजनाओं के साथ उनके 11 मुद्दे को मांगे।